जंगल में धीमी हवा के साथ साथ बारिश भी हो रही थी। टुनटुने चिड़िया के घर में दाने का एक खतरा नहीं था, तो टुनटुनी चिड़िया अपने पति बल्लू से कहती है, अरे बल्लू जी, अभी बारिश और हवा दोनों कम है। आप एक काम करें, आप दाना लेकर जल्दी से घर वापस आ जाएं। अरे टुनटुने, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ तुम भी दाना लेने बाहर चलो, ताकि हम थोड़े दाने इकट्ठे भी कर लें। इस बारिश का क्या ठिकाना कि ये कब तक आएगा। अरे बल्लू जी, अगर मैं भी आपके साथ दाना लेने गई तो हमारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। अरे मम्मा, ख्याल, मैं भी आपके साथ ही चलूँगा दाना लेने बाहर। हाँ मम्मा, मैं भी चलूँगी। ऐसे दोनों बच्चे जिद करने लगते हैं। तभी बल्लू कहता है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों घर पे ही रहो अपने माँ के साथ, मैं अकेले ही जा रहा हूँ दाना लेने। नहीं पिताजी, आप अकेले नहीं जाएंगे, हम सब चलेंगे दाना लेने। और रही बात हमारे उड़ने की, तो कुछ दिन पहले ही मैं बारिश में उड़ते हुए मम्मा के लिए दाने लेकर आया था। अच्छा ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो हम सब चलकर दाना लेकर आते हैं। ऐसे बल्लू और उसका पूरा परिवार बारिश में ही दाना लेने के लिए निकल जाता है। अरे पिताजी, वो देखें, वहाँ पर ढेर सारे दाने हैं, क्यों ना हम वो दाना लेकर घर वापस चलें। अरे बेटा, ऐसे कहीं भी दाना बिखेरा हुआ पड़े तो समझ लेना कि ये शिकारी पंछियों ने हमारा शिकार करने के लिए रखा है। बेटा, लालच बहुत बुरी होती है, हम और आगे चलते हैं और वहाँ से कुछ दाने ढूंढ कर लेकर आएंगे। ऐसे बल्लू और उसका परिवार थोड़ी दूर और जंगल में बढ़ते हैं। तभी उन्हें कुछ दाने भी मिल जाते हैं। वो दाने लेकर घर वापस ही आ रहे थे, तभी बारिश और तेज होने लगती है। अरे टुनटुने, ये तो बारिश बहुत तेज आने लगी, हमें कहीं रुकना पड़ेगा वरना हमारे बच्चे भीग जाएंगे। अरे हाँ बल्लू जी, आप सही कह रहे हैं। अरे टुनटुने, तुम इस पेड़ की डाली पर लेकर बच्चों को बैठो, मैं ऊपर पंख फैलाकर बारिश रोकने की कोशिश करता हूँ। ऐसे बल्लू अपने पत्नी और अपने बच्चों को भीगने से बचाने के लिए पंख फैलाकर कुछ देर ऐसे ही रहता है। बारिश बंद हो जाती है। बल्लू और उसका परिवार घर वापस आ जाते हैं और वहाँ आकर देखते हैं कि वहाँ तो कुछ और ही नज़ारा था। अरे बल्लू जी, ये देखें, हमारा घर टूट गया। बल्लू जी, हमारा घर इतना भी कमजोर ना था कि इस धीमी हवा और बारिश से टूट जाए। अरे टुनटुनी, होने को कौन टाल सकता है, और हवा के साथ साथ बारिश भी थी, इसलिए शायद हमारा घर टूट गया हो। लेकिन टुनटुनी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम बच्चों को लेकर यहीं पर रुको, तब तक मैं आज रात के लिए कोई बंदोबस्त करता हूँ। अरे बल्लू जी, आप इतनी रात में क्या करेंगे। अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ पत्ते लेकर वापिस आता हूँ। ठीक है बल्लू जी, जाइए, अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे बल्लू जंगल निकल जाता है पत्ते की तलाश में। कुछ दूर उड़ने के बाद ही बल्लू को एक घना पेड़ दिखाई देता है। बल्लू वहां से कुछ पत्ते तोड़ता है और उसे लेकर अपने घर की तरफ वापिस आ रहा था। रात भी बहुत हो गई थी। ये तो रात बहुत अंधेरी हो गई है, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा, मेरी पत्नी टुनटुनी मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसे सोचते हुए बल्लू उड़ रहा था। अंधेरी रात होने की वजह से बल्लू को कुछ दिखाई नहीं देता है और वो एक कटीले पेड़ से जाकर लड़ जाता है और धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या हुआ, मुझे तो बहुत चोट लग गई, अब मैं अपने बच्चों और पत्नी के पास वापस कैसे जाऊंगा। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन बल्लू अभी तक घर वापस नहीं आया। अरे बच्चों, आपके पिताजी तो अभी घर वापस नहीं आए, आप दोनों एक काम करो, यहीं पर रुको, मैं आपके पापा को ढूंढ कर आती हूँ। ऐसे टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए उसी जंगल में निकल जाती है।
काफी तलाश करने के बाद उसे बल्लू एक पेड़ के नीचे गिरा हुआ दिखाई पड़ता है। बल्लू जी, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? बल्लू जी, आप तो पत्ते लेने जंगल आए थे, आपको क्या हो गया? बल्लू जी, अब हम कैसे रहेंगे? हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? बल्लू जी, ऐसे टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, क्योंकि बल्लू तो अब मर चुका था। फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया अपने दिल पर पत्थर रख कर उड़ते हुए अपने बच्चों के पास जाती है। मम्मा मम्मा, पिताजी कहाँ है मम्मा? अरे मेरे बच्चों, आपके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे रोते हुए टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को गले से लगाती है और कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, आप दोनों बिल्कुल मत घबराओ, आपकी माँ आप दोनों के साथ है, बस आप दोनों मेरे साथ चलो। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लिए गौरी कव्वी के घर जाती है और कहती है, अरे काकी दरवाज़ा खोलो, काकी दरवाज़ा खोलो। अरे टुनटुनी क्या हो गया? अरे इतने सुबह सुबह कैसे आना हुआ? फिर टुनटुनी अपनी दुख भरी कहानी गौरी कव्वी को सुनाती है तो गौरी कव्वी कहती है, अरे टुनटुनी ये तो हम पक्षियों के साथ हमेशा होता ही रहता है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम हमारे घर में रह सकती हो। ठीक है काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद टुनटुनी चिड़िया गौरी कव्वी से कहती है, अरे काकी हमें रुके हुए आपके घर पे काफी दिन हो गए, मैंने एक जंगल में सुरक्षित पेड़ देखा है, मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पर अपना घर बना लूँ। अरे टुनटुनी ठीक है, तुम जाओ, तुम अपना घर बनाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगी। ठीक है काकी, तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया जंगल निकल जाती है और ढेर सारे लकड़ियाँ इकट्ठा करके पेड़ की डाली पर लेकर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक कालू नाम का कौवा आ जाता है। वो कहता है, अरे ओ चिड़िया, चल भाग यहाँ से, ये पेड़ मेरा है, इस पर घर मैं बनाऊंगा। अरे भैया, जंगल के हर पेड़ पर हर पंछियों का अधिकार होता है, आप ऐसे ना कहें। अरे ओ चिड़िया, मेरा नाम कालू है कालू, अभी तुझे इतना मारूंगा कि तेरा मुंह काला हो जाएगा काला, बिल्कुल मेरी तरह, वरना भाग जा यहाँ से। ऐसे कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को वहाँ से भगा देता है। अरे टुनटुनी, घर का काम कहाँ तक पहुँचा? अरे काकी मैं क्या बताऊँ, वहाँ पर एक कालू नाम का कौवा आ गया था, जो कह रहा था कि इस पेड़ पर मेरा अधिकार है, मैं वहाँ पर घर नहीं बना सकती। अरे टुनटुनी तुम बिल्कुल फिकर मत करो, इस कालू के बच्चे को तो मैं बताती हूँ। और सुनो बच्चों, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं तुम्हारी माँ के साथ जंगल जा रही हूँ। ऐसे गौरी कव्वी टुनटुनी के साथ जंगल जाती है। अरे ओ कव्वे, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पेड़ पर घर बनाने से रोकने के लिए? अरे ओ मोटी आँख वाले कव्वे, भाग जा यहाँ से, वरना मैं तेरी आँख निकाल लूंगी। अरे ओ कव्वी, अरे मुझे इतना रौब मत दिखा, मैं ये पेड़ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अरे ओ गंदी आँख वाले कव्वे, रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ। ऐसे गौरी कव्वी कालू कव्वे पर हमला कर देती है और उसे मारकर वहाँ से भगा देती है। अरे टुनटुनी देखा, ये कौवा कैसे भाग गया? अरे अपनी जिंदगी जीने के लिए ऐसे लोगों का सामना करना ही पड़ता है, ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, वरना ये हमें कभी जीने नहीं देंगे। फिर गौरी कव्वी और टुनटुनी चिड़िया दोनों मिलकर एक घर बनाते हैं और उसमें टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।